नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के समीक्षा भवन में गुरुवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद अजय कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में सांसद ने जिलाधिकारी समेत अन्य विभाग के पदाधिकारियों से जानकारी ली। वहीं कार्यों में अनियमितता या लेट लतीफी को लेकर सांसद ने नाराजगी जताते हुए सभी विकास कार्यों के हर बिंदुओं पर गौर कर समय पर कार्यों को पूरा करने की बात अधिकारियों से कही। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सांसद को विभिन्न योजनाओं में चल रहे कार्यों के साथ पूरे हो चुके कार्यों की भी जानकारी दी और सरकार के निर्देश अनुसार समय पर कार्य पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। इधर दिशा और अनुश्रवण समिति की बैठक में सांसद अजय मंडल ने विभिन्न विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के सभी विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इसको लेकर सांसद अजय मंडल ने बताया कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जबकि विकास योजनाओं के कार्य में अनियमितता बरतने वाले अधिकारी और कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने नल जल की योजना को जल्दी पूरा करने के लिए निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में जल संकट झेल रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिसे दूर करना आवश्यक है। बैठक में DDC कुमार अनुराग, नगर आयुक्त डॉ. योगेश कुमार सागर, मेयर डॉ. वसुंधरा लाल समेत विभिन्न समितियों के सदस्य और कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा जितने भी काम लंबित थे, देर हो रहा था, सबों का समीक्षा किया गया और सबको तत्काल रोड हो, पोखर हो, नाली हो, सबको पूरा किया जाए। कल हो, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है, क्योंकि अभी तो पानी की सबसे बड़ी समस्या होने वाली, उस पर भी समीक्षा किया गया कि हर जगह का पानी का व्यवस्था, नल जल योजना या चापाकल है या बोरिंग, जहाँ जो चीज़ की व्यवस्था है पानी का, उसको अविलंब ठीक करा करके दुरुस्त कराया गया। योजना में सर खामियां भी पाई गई है? जिस योजना में खामियां पाई गई है, उन योजना पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बीते कई दिनों से जिले में आगजनी की घटना लगातार देखने को मिल रही है, जबकि भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया का कई गांव इन दिनों लगातार आगजनी की घटना से जूझ रहा है। दरअसल बीर बन्ना के अलावा कई गांव में आगजनी से हुई तबाही से लोगों को अभी राहत भी नहीं मिली थी, तभी एक बार फिर नवगछिया के पौष इलाके में आगजनी की बड़ी घटना सामने आ गई। नवगछिया नगर परिषद के मुसहरी पट्टी में कम्युनिस्ट पार्टी भवन के समीप अचानक आग लग गई, जिसमें 3 घर जलकर राख हो गया। इस आगजनी के कारण घर में रखा रसोई गैस का एक सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण आग और भीषण हो गई, जिसमें 3 घर पूरी तरह से जलकर तबाह हो गया, जबकि पास के कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय की छत को आंशिक क्षति पहुंची है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आग खाना बनाने के दौरान लगी, जिसके बाद रसोई गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया, जिससे आग और भयावह हो गई। इस दौरान आग को बुझाने के लिए ग्रामीणों ने पोखर के पानी और कम्युनिस्ट कार्यालय में रखे बालू का सहारा लिया, लेकिन आग की तेज लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक 3 घर समेत घर का सामान जलकर राख हो चुका था। इधर जानकारी मिलते ही नवगछिया SDPO दिलीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। पुलिस जिला नवगछिया के भीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अरस्टी अमरपुर निवासी लापता मुखवधि राजेश कुमार दास के माता पिता गुरुवार को भागलपुर रेंज DIG कार्यालय पहुंचे, जहां वृद्ध दंपति ने DIG से अपने मुखवधि पुत्र राजेश दास की खोजबीन कराने की गुहार लगाई। राजेश दास के माता पिता ने DIG को बताया कि उनका पुत्र 7 फरवरी से ही घर से गायब है, जिसको लेकर बीपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन लोगों द्वारा कई जिलों और रिश्तेदारों के यहां तलाश करने पर भी उनके पुत्र राजेश कुमार दास का कुछ भी पता नहीं चल सका है। साथ ही कहा कि पहले भी पुलिस से गुहार लगाने के बाद अब तक पुलिस के द्वारा उनके मुखवधिर पुत्र की तलाश के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण वो दोनों अपनी गुहार लेकर DIG के पास मिलने पहुंची है। वहीं वृद्ध दंपत्ति को आश्वासन देते हुए DIG ने बीपुर पुलिस से बात की और दोनों को बीपुर थाने जाने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस उनके पुत्र की तलाश कर रही है और जल्द ही कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। हालांकि बेटे के लापता होने और पुलिस के रवैये से दुखी दंपत्ति ने कहा कि वो लोग गरीब है, इसलिए पुलिस या कोई भी उनकी मदद करने आगे नहीं आ रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि DIG से गुहार लगाने के बाद लापता राजेश दास के माता पिता को पुलिस का कितना सहयोग मिल पाता है। कब से गायब हुआ है? कहां? 7 फरवरी से। कहां से? थाना बीपुर अरसनबी से। क्या हुआ था बेटा को? क्या था बेटा? कुछ गंगा टाइप के।
हाँ, बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, लेर 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 भी चुता है। कितना उम्र है? उम्र है 1500। 1500 थाना में कहे थे, आवेदन दिए। हाँ। कोई सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई। कहाँ कहाँ खोजे बेटा को? बेटा को खोजे समस्तीपुर, कटिहार, बरौनी। हाँ। और खगड़िया, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। आज कहाँ आए थे? आज आए भागल डीआईजी साहब के पास। हाँ, डीआईजी साहब। क्या बोले डीआईजी साहब? वो बोला कि वहाँ मिलिएगा थाना बिहपुर में, फिर अब थाना जा रहे हैं। हाँ। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामा बाग वार्ड नंबर 14 में सोने घर से चोरों द्वारा लाखों रुपये के सामान की चोरी कर लेने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर घर के मालिक नंदन झा ने बताया कि वे इंटर महिला महाविद्यालय भागलपुर में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और पिछले 4 दिनों से वो अपने सुल्तानगंज स्थित आवास में नहीं थे, लेकिन जब वे वापस अपने घर आए तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और घर से लाखों रुपये के सामान की चोरी हो चुकी। प्रोफेसर नंदन झा ने बताया कि इस घटना में चोरों ने घर से सोने का जेवर और कीमती कपड़ा के साथ कई कीमती सामानों की भी चोरी कर ली है। इधर चोरी के वारदात की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले के छानबीन में जुट गई। नंदन झा मेरा नाम है जी, जी। और मैं ससुराल मेरा यहाँ पे हुआ श्याम बाग में, और 2 साल से मेरे ससुर साहब चले गए हैं और मेरी पत्नी रहती थी, हम भी आते जाते थे, लेकिन 2 महीना से पत्नी जो है चली गई सूरत बच्ची के पास। ऊपर में चाचा जी रहते थे, वो भी 6 तारीख को चले गए और फिर उसके बाद साजिश के तहत ये घटना जो है 10 तारीख की रात में हुई और हमें 5-6 लाख का नुकसान डायरेक्ट है। अब आप लोग देख लिए, फोटो खींच लीजिए, सब व्यवस्था के सामने है। घटना क्या घटी आपके यहाँ? समूचा ताला तोड़ करके समूचा सामान ले लिया। क्या क्या लिया है उसमें? जो है हमको लगता है कि हाँ, दो भर जो है दो हार था सोने का, जो 3-4 भर का था, 5-7 गो अंगूठी था सोने का, और उसके बाद झुमका था 5-7 गो, पायल था, कान का बाली था, नाक का बिछिया था सोने का, और 10 भर चांदी था, 10 गो गिलास था, कटोरा था, चम्मच था चांदी का। भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य पूरा हो गया और अध्यक्ष पद के विजेता के नाम की घोषणा कर दी गई। दरअसल मतदान के दौरान कुल 406 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से जितेंद्र सिंह ने 282 वोट प्राप्त कर अध्यक्ष पद का चुनाव जीत दिया। इस दौरान जितेंद्र सिंह के प्रतिद्वंद्वी सुभाष यादव को 112 वोट मिला, जबकि 12 वोट इनवैलिड घोषित किया गया। इस तरह से जितेंद्र सिंह ने सुभाष यादव को 170 मतों के अंतर से पराजित कर एक तरफा जीत दर्ज की और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। वहीं भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने की होगी, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इधर नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पैक्स अध्यक्ष समेत कई लोगों ने बधाई और शुभकामना देते हुए बेहतर कार्य होने का भरोसा भी जताया। जीत का श्रेय समस्त जितने हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आज हमको इस मुकाम तक जीत के काबिल समझा, जिताया हमको, उनको देते हैं, साथ ही साथ तमाम शुभचिंतकों को देते हैं और पैक्स अध्यक्षों, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास भरोसा करके आज भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक, जो एक ऐतिहासिक बैंक है जिसका एक गरिमा प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आज मुझे चुना, उन्होंने को धन्यवाद और आभार व्यक्त कर, शब्द मेरे पास नहीं है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं।
हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर आधारित अभियान अलहड़ को लेकर दक्षा युवा फाउंडेशन समेत कई सहयोगी संस्थान की ओर से भागलपुर टीएनबी लॉ कॉलेज में लिंग और मासिक धर्म जागरूकता कार्यशाला आयोजित किया गया। इस दौरान 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने कार्यशाला में हिस्सा लिए, जिन्हें शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के द्वारा कई अहम जानकारी देकर जागरूक होने की बात कही गई। वहीं वर्कशॉप के दौरान पैनल में शामिल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पीजी विभाग राजनीति विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रुचि श्री, जेएनएमसीएच स्त्री रोग विभाग की सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पद्मनी घोष, टीएमबीयू डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की रिसर्च स्कॉलर अरुणिमा सिंह और सामाजिक और पर्यावरण एक्टिविस्ट गौरव सिन्हा ने जेंडर एंड मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस पर अपनी बात रखी। इस दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रुचि श्री ने बिहार सरकार से महावारी संबंधित विशेष छुट्टी घोषित करने की बात कही, जबकि डॉक्टर पद्मनी घोष ने महावारी से जुड़ी गलत धारणाओं और मिथक के बारे में बताते हुए इसके प्रति महिलाओं के साथ सभी को जागरूक होने और भ्रांतियों से बचने की बात कही। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर अरुणिमा सिंह ने महावारी को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने की बात कही, जबकि सामाजिक एवं पर्यावरण एक्टिविस्ट गौरव सिंह ने मेंस्ट्रुएशन को लेकर कहा कि गैर मासिक धारिताओं के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी के कारण कई तरह की भ्रांतियों को बल मिलता है और इस तरह के विषय पर लगातार चर्चा कर समाज के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। स्वागत भाषण टीएनबी लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता कुमारी ने दिया। कार्यशाला को असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बबीता कुमारी ने भी संबोधित किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर भागलपुर के गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में स्वास्थ्य परीक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल में गुरुवार को छात्रों के लिए स्वास्थ्य जांच परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जबकि इससे पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता झा, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार और राजीव लोचन झा ने कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं स्वास्थ्य जाँच के दौरान डॉक्टर सुनीता झा ने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, जबकि छात्रों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार एवं उचित निर्देश का पालन करना अनिवार्य है, जिससे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सके। इधर डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे हो या बड़े, आजकल सभी दांत की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और इसका मुख्य कारण अपने दांतों की सफाई के प्रति लापरवाही और दांत के लिए नुकसानदायक पदार्थों का सेवन करना है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजीव कुमार झा ने किया। वहीं स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम में 300 छात्र छात्राओं की जाँच कर उचित परामर्श दिया गया। भागलपुर के जगदीशपुर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जगदीशपुर पंचायत के मुखिया लालमती देवी, सरपंच भारती देवी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामजी राय और जिला संभाग प्रभारी रवीश चंद्रा समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच संचालन विद्यालय की वार्डन सरिता कुमारी एवं शिक्षिका श्रद्धा सुमन ने किया। इस दौरान छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसका वहाँ मौजूद लोगों ने जमकर आनंद लिया और बच्चों के प्रयास की सराहना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका श्रीमती फूल कुमारी ने विद्यालय में बच्चियों के नामांकन और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मिलने वाली सारी सुविधाओं की जानकारी दी, जबकि 12 कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। इधर विद्यालय के पूर्व वार्डन डॉक्टर किरण कुमारी को कार्यक्रम में भावमिनी विदाई दी गई और उनके कार्यों की सराहना करते हुए विद्यालय परिवार एवं अतिथियों ने उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं कार्यक्रम में छात्रावास की छात्राओं ने एक से पढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं इस दौरान पायल सिंह ने कहा कि विद्यालय में फिलहाल 48 सीट खाली है और क्षेत्र में कोई भी अनाथ बच्ची या ऐसी बच्ची हो जिसकी पढ़ाई किसी कारण से छूट गई है तो वैसे
बच्चों को इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तुरंत नामांकन दिया जाएगा। मौके पर टाइप 1 के संचालक आशुतोष चंद्र मिश्र एवं टाइप 4 की संचालिका डॉक्टर पायल सिंह समेत काफी संख्या में छात्राओं के अभिभावक और विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद रहे। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाओं में बच्चों का नामांकन होना है, तो उस उद्देश्य उसके प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से यह रखा गया था, जिसमें सारे लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे सारे अभिभावक गण भी निमंत्रित थे, ताकि उनके बीचों में इस विद्यालय का प्रचार प्रसार हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।